बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पार्टी लेजर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से अकाउंट एक साथ हम जनरेट करेंगे एक्सेल में, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और प्लस कंप्लीट इसकी जो है वो ट्रांजैक्शंस डिटेल के अंदर से सारी हम शीट्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो कंप्लीट सेटअप अकाउंट्स का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कुछ शीट्स हमारी रेडी हैं और कुछ शीट्स में जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास डेटाबेस एंट्री है जिसके अंदर ऑल कस्टमर, सप्लायर और जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज और जो जो पार्टीज होंगी वो सारी, उनके अकाउंट टाइप्स, उनके डिस्क्रिप्शंस, उनका अमाउंट डेबिट और उनका अमाउंट क्रेडिट। उसके बाद हमें उसके अंदर से बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर पार्टीज लेजर। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं इस डाटाबेस के अंदर से, तो यहाँ पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू हो गया कस्टमर ए का, उसका क्रेडिट अमाउंट आ गया 1000। इसके साथ ही हमारे पास डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन, डिस्क्रिप्शन, परचेज एक्सपेंस और सप्लायर बी की डेबिट अमाउंट 200 है। फिर इसी तरह सैलरी एक्सपेंस, एम्प्लॉय सी 500, रेंट एक्सपेंस लैंडलॉर्ड डी 1000, नेट इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू बैंक क्रेडिट हो गया ये अमाउंट, यूटिलिटी एक्सपेंस में आ गई यूटिलिटी को 150, लोन रिपेमेंट लाइबिलिटीज बैंक एफ 500 रेवेन्यू हो गया। फिर इसी तरह जितनी जितनी यहाँ पर डिटेल एंड ट्रांजेक्शन वो और उनका अकाउंट टाइप और उनकी पार्टी नेम के साथ अमाउंट एंट्रीज हुई हुई है। तो ये सारे कस्टमर की कंबाइन एक साथ डेटा एंट्री है। अब सबसे पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले बैंक में यहाँ पर मैंने एसेट्स के अंदर कैटेगरी बैंक, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री को टोटल करना है, तो ये हमारा टोटल एसेट होगा। टोटल एसेट के लिए सबसे पहले बैंक में जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसका अमाउंट निकालने के लिए सम इफ कंडीशन यूज करेंगे। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम रेंज जाएंगे हम डेटा एंट्री शीट पे अपनी, और डेटा एंट्री शीट में हमारे पास सबसे पहले आ जाए क्रेडिट ऑल कॉलम, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अकाउंट टाइप ऑल कॉलम सेलेक्ट, और इसके अंदर हमें क्या देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रेवेन्यू। यहाँ देख लो रेवेन्यू मैंने टाइप कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, तो हमारे पास पार्टी नेम का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हमें क्या चाहिए बैंक ई का जो रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बैंक स्पेस ई और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ माइनस कंटिन्यू करेंगे आगे इसी फॉर्मूले को दोबारा सम इफ, इस दफा हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेबिट कॉलम ऑल इंटायर, फिर कॉमा ऑल इंटायर, यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट टाइप कॉलम, फिर कॉमा यहाँ पर इस दफा हम सिलेक्ट करेंगे लायबिलिटीज, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैं टाइप कर रहा हूँ एल आई ए बी आई एल आई टी वाई लायबिलिटीज, फॉर्मूले की स्पेलिंग सही होनी चाहिए वर्ड्स जो भी आप टाइप करेंगे। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इस दफा फिर पार्टी नेम सेलेक्ट ऑल कॉलम इंटायर, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें आ जाएगा बैंक एफ, ठीक है जी, बैंक एफ ही हो गया लोन रिपेमेंट वाला हमारा, और ई जो है वो इंटरेस्ट इनकम वाला हो गया हमारे पास। अब जो भी इसका सम होगा वो माइनस हो जाएगा इसके अंदर से इंटर, तो ये हमारा हो गया बैंक अमाउंट का एसेट। अकाउंट रिसीवेबल में नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल के लिए हम लगाएंगे इक्वल अगेन सम इफ्स, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, वापस जाएंगे डेटा ट्रांजेक्शन शीट पे और इस दफा डेबिट अमाउंट कॉलम सिलेक्ट करेंगे ऑल इंटायर, फिर कॉमा रेवेन्यू शीट अकाउंट टाइप रेवेन्यू कॉलम सिलेक्ट करेंगे कॉमा। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है एक्सपेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ एक्सपेंस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा एक्सपेंस के बाद कॉलम सिलेक्ट होगा हमारा पार्टी नेम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या देखना है हमें सप्लायर बी,
फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ प्लस करेंगे हम अगेन सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, यही रिपीट होगी वैल्यू, डेबिट कॉलम ऑल सिलेक्ट कॉमा रेवेन्यू कॉलम अकाउंट टाइप सिलेक्ट, फिर इसके अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या है एक्सपेंस, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा पार्टी कॉलम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें आ जाएगा हमारा सप्लायर आई, ठीक है जी, सप्लायर आई को जो है टोटल करना है हमें यहाँ पे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और इंटर जी। इन्वेंट्री के लिए अब हम फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, सम इफ्स और ब्रैकेट ओपन डेटा एंट्री ऑल शीट क्रेडिट कॉलम सिलेक्ट कॉमा, उसके बाद रेवेन्यू हमें देखना है तो यहाँ पर हम इंटायर कॉलम अकाउंट टाइप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हम टाइप करेंगे रेवेन्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा उसके बाद सप्लायर पार्टी नेम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कस्टमर ए, और फिर यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसके अंदर प्लस अगेन सम इफ्स, और वही रेंज सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट हम ऑल क्रेडिट कॉलम कॉमा ऑल अकाउंट टाइप कॉलम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रेवेन्यू, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ऑल कॉलम पार्टी नेम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस दफा कस्टमर एच, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फॉर्मूला अगर हमारा सही है 12 और 1020 200 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ अल्टर इक्वल करेंगे और टोटल एसेट का अमाउंट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। अब अगर कोई डाउट हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेंगे, वीडियो को दोबारा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन के लिए। अब इसमें इनकम एंड एक्सपेंस देखने थे तो मैंने डायरेक्ट भी टोटल कर सकता था, लेकिन मैंने कहा डिटेल के साथ पता चल जाएगा किस चीज की कैटेगरी रेवेन्यू में आएगी और किस किस की कैटेगरी एक्सपेंस के अंदर जा रही है, तो इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट इसके अकाउंट लिख दिए, सेल रेवेन्यू हो गया, इंटरेस्ट इनकम जो है रेवेन्यू, कंसल्टिंग इनकम वो भी रेवेन्यू में आ गया, डिविडेंड इनकम वो भी रेवेन्यू में आ गया, परचेज सैलरी रेंट यूटिलिटीज मिसेलेनियस ऑफिस सप्लाई इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, फिर नेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, और इक्वल के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर सम इफ्स, डेटा हमारा डेटाबेस शीट पर है तो डेटाबेस एंट्री पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल हम सिलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम। अच्छा पहले हमें यहाँ पे जो है वो चाहिए क्या कहते हैं अमाउंट, सम इफ्स के अंदर जो होता है वो हमारा अमाउंट सिलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे क्रेडिट कॉलम, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद सिलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम, फिर कॉमा लगाएंगे वापस प्रॉफिट एंड लॉस शीट में आ जाएंगे सेल्स ब्रैकेट की क्लोज एंटर ड्रैग और रेवेन्यू सम ऑल सेल्स इंटरेस्ट इनकम कंसल्टिंग इनकम डिवाइडेड इनकम प्लस एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ्स और सम इफ्स ब्रैकेट ओपन के बाद डेटा एंट्री शीट और इस दफा डेबिट कॉलम सिलेक्ट कॉमा ऑल डिस्क्रिप्शन कॉलम कॉमा वापस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे फर्स्ट परचेज सेल ब्रैकेट की क्लोज इंटर इसको भी ड्रैग करेंगे यहाँ पे फिर सम फॉर्मूला लगेगा ऑल कॉलम परचेज से एडवर्टाइजिंग तक सिलेक्ट और नेट प्रॉफिट में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब चलेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। टोटल एसेट के लिए हम यहाँ पर सम फॉर्मूला यूज करेंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पर ऑल टोटल कर लें या डायरेक्ट सम के बगैर ये वाला सैलरी क्लिक कर सकते हैं ब्रैकेट की क्लोज। टोटल लाइबिलिटीज के लिए अब यहाँ पर हम अगेन सम इफ फंक्शन लगाएंगे डेटा एंट्री शीट पे जाएंगे ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे डेबिट फिर कॉमा ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे अकाउंट टाइप और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर से क्या टोटल चाहिए हमें लाइबिलिटीज
liabilities को टोटल किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज यानी टोटल एसेट्स। अगर लाइबिलिटीज जो है वो हमारी इस तरह से है, इसको इक्विटी के लिए हम यहाँ पे टोटल एसेट्स को माइनस कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज से, इंटर। और एक बात यहाँ बता दूं मैं आपको, टोटल एसेट्स अगर ज्यादा है टोटल लाइबिलिटीज से तो ओनर इक्विटी जो है वो पॉजिटिव होगी, जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करती है। तो यहाँ ऐसा ही है, ठीक है जी। अब हम चलेंगे पार्टी लेजर की तरफ। पार्टी लेजर के हिसाब से अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ कस्टमर है, सप्लायर, फिर बैंक की, इस तरह के इन सब के लेजर हमें अलग अलग मेंटेन करने हैं, तो सेपरेट सेपरेट अलग अलग शीट्स भी हम बना सकते हैं इनकी। तो यहाँ मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इस शीट के अंदर मैं नाम दे देता हूँ लेजर, पार्टी लेजर, कस्टमर लेजर कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहां पर हम थोड़ा सा फॉर्मेट देंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर आ जाएगा बैलेंस। कंट्रोल माइनस, डिस्क्रिप्शन डिटेल के लिए कॉलम विथ को हम बढ़ा लेंगे थोड़ी सी यहाँ से, बैलेंस क्रेडिट और डेबिट के लिए इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, डेट डिटेल, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे बैलेंस, और यहाँ हल्का सा लाइट कलर, यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी लेजर ऑफ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह होगी वो आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर ईमेल वगैरह का ऑप्शन चाहिए, ईमेल वगैरह ऐड कर लें यहाँ पे, और इधर जो होगा वो हमारा एक क्रेडिट डेबिट का एक कॉलम भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, डेबिट या क्रेडिट और वाया अमाउंट इनका। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के लिए हम डेटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स, और यहां से ऑल सेलेक्ट करेंगे हम, ओके, ये हमारे कस्टमर्स हो गए, और इसको 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 हम थोड़ा सा यहां से अलाइन मिट बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये सप्लायर होगी, अब जो भी सप्लायर हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा हमें यहां पे शो कराना है, तो शो करने के लिए हम यहाँ पे या तो बैलेंस को हम आगे मूव कर लेते हैं क्रेडिट, और इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, और इसको मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पर अब हमारे पास डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ अकाउंट टाइप भी है, पार्टी नेम भी है, लेकिन हमें ये सब डिस्क्राइब नहीं रखना पार्टी लेजर में, ये सिर्फ हमने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है, हमें डेट डिस्क्रिप्शन और डेबिट क्रेडिट दिखाना है हमें, और यहाँ पर बैलेंस भी नहीं है, बैलेंस भी हम पार्टी कस्टमर लेजर में ही दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ फुल डिटेल आ गई, अब हमें कॉलम कौन सा चाहिए, डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट और क्रेडिट, तो फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड नहीं चाहिए, फोर्थ नहीं चाहिए, फाइव चाहिए और सिक्स चाहिए। तो इसके लिए हम कस्टमर लेजर में दोबारा जाएंगे जहाँ फिल्टर फंक्शन यूज किया हुआ है, यहाँ पर एक और फिल्टर फंक्शन लगेगा रिटर्न स्पेसिफिक कॉलम के लिए, और यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम चाहिए उसकी जगह वन करेंगे, फर्स्ट चाहिए, सेकंड भी चाहिए वन, फिर थर्ड नहीं चाहिए जीरो, फोर नहीं चाहिए जीरो, कॉमा फाइव चाहिए हमें वन, सिक्स चाहिए हमें वन, टोटल छह कॉलम हो गए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिल्टर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अगर ये डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट थ्री कर लीजिएगा इसको डेट फॉर्मेट के लिए, और बैलेंस के लिए हम यहाँ पर क्रेडिट और माइनस करेंगे डेबिट। अब जो भी होगा यहाँ पे ऊपर प्लस क्रेडिट माइनस हो जाएगा डेबिट, और इसी को हम ड्रैग कर लेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि डाटा एंट्री के साथ शो होना चाहिए यहाँ पे अमाउंट, तो इसको फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे जब फंक्शन यूज करेंगे इक्वल इफ कंडीशन लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे इक्वल, अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा तो ब्लैंक ही रहे, नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन चला लें, इंटर, और इसको फिल कर लेंगे ट्रैक,
इस तरह से। और यहाँ पे माइनस पॉजिटिव वगैरह के लिए हम यहाँ पे इसको रेड कलर को यूज करेंगे, ताकि जहाँ माइनस हो तो वहाँ पे रेड कलर आ जाए, या पॉजिटिव होगा तो ब्लैक। अब इस तरह से हम जो भी इंफॉर्मेशन होंगी यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, तो उनके रिकॉर्ड्स जो होंगे सारे वो आ जाएंगे सबके। सप्लायर बी हो गया, सप्लायर कस्टमर ए हो गया, अब इनका क्रेडिट अमाउंट है, बैलेंस, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, कस्टमर है और मैं यहाँ बैंक ई लेजर की दो ट्रांजेक्शन है वो हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया, इसका फॉर्मेट हम फॉर्मेट प्रिंटर से ही अप्लाई करेंगे, ऑल डेट फॉर्मेट के लिए, किस डेट की है, ये सारी सेपरेट सेपरेट। पार्टी लेजर भी आपकी रेडी हो गई, जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं, उनका ड्यूरेशन पीरियड वगैरह सब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, लोन रिपेमेंट जो उनकी पेमेंट है वो डिटेल वगैरह सारी आ रही है यहाँ पे आपके पास। ठीक है जी, अब इसके लिए डेबिट क्रेडिट इक्वल इफ बैलेंस फर्स्ट सेल, अगर ये लेस देन है 0, इन्वर्टेड कॉमा तो डेबिट, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको हम करेंगे फिल। ठीक है जी, अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहेगा सारा डेबिट। ठीक है जी, तो जो डेबिट अमाउंट होगा उसका डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ ऑटोमेटिक सामने आ रहा होगा यहाँ पे आपका सबका। ठीक है जी, डेबिट डेबिट में आ गया। इसी तरह से जो होंगी अमाउंट, अब क्रेडिट है तो क्रेडिट अमाउंट का आ गया। अब इसमें आपको सिर्फ ट्रांजेक्शंस डिटेल में अपनी जो डेटा एंट्री वगैरह है रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कस्टमर लेजर सब तैयार हो गया, एक ही अकाउंट्स आपको सब जगह मिल गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ना पसंद आने की कोई वजह है नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन की वीडियो, अकाउंट से रिलेटेड और देखना चाहते हैं इस तरह के एडवांस फॉर्मूले और फंक्शन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपना कमेंट करके यस जरूर कहें। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।